हाय, मैं हूँ अमृता। ये कहानी है भविष्य की। जब इंसानों को पता चला कि अर्थ से अब ऑक्सीजन नष्ट हो रहा है, तब उन्होंने सारे इंसानों को अतीत में 8 करोड़ साल पहले भेज दिया, जब डायनासोर का समय था, और वहीं पे ये इंसान रहने लगे थे। कहानी है टेरानोवा की। यह है पार्ट 3। पहले पार्ट्स की लिंक नीचे दी हुई है, जरूर देखिएगा। और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर जोनाथन नाम के एक रिसर्चर को देखते हैं, जो कि टेरानोवा इस कॉलोनी के आउटपोस्ट बेस पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर उन्हें एक बीटल दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए डॉक्टर जोनाथन बेस से बाहर आ जाते हैं। और तभी एक डायनासोर आकर उनके ऊपर हमला कर उन्हें मार देते हैं। वही कुछ समय के बाद एलिजाबेथ टेलर और बार्डी नाम का एक सोल्जर आउटपोस्ट 3 पर आते हैं, क्योंकि काफी समय से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था यहाँ पर। अब इन्हें कॉलोनी का दरवाजा भी खुला मिलता है, जिसे देख ये हैरान थे। अब अंदर जाने पर इन्हें लैब में 2 नोट्स मिलते हैं, जिन पर लिखा होता है कि बाहर मत जाना और ये एक सपना नहीं है। जिसके साथ इन्हें कमरे में 2 औरतें मिलती है, जो कि बेहोश होती है। लेकिन तभी उनमें से एक औरत को होश आता है, लेकिन उसे अतीत का कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है और उसके साथ क्या हुआ था। अब यहाँ पे एलिजाबेथ को डॉक्टर जोनाथन के रिसर्च पेपर मिलते हैं, जिसे पढ़ने पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर जोनाथन अल्जाइमर बीमारी को ठीक करने के लिए इंसानों के जेनेटिक मेमोरी को मैनिपुलेट करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। और अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए डॉक्टर जोनाथन ने एक मेमोरी लॉस वायरस भी बनाया था, जो अगर इंसानों को लगता है तो इंसानों की धीरे धीरे मेमोरी कम होने लगती है। अब इन्हें शक आने लगता है कि ये लोग भी वायरस से इन्फेक्टेड हुए होंगे, क्योंकि मेमोरी जाने के अलावा इस वायरस के और कोई भी लक्षण नहीं होते, जिसके कारण ये लोग खुद को उसी लैब में क्वारंटीन रखने का फैसला करते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ हम टेरानोवा में देखते हैं, जहाँ पे एलिजाबेथ की छोटी बच्ची जोई स्कूल से वापस आते वक्त अचानक से उसकी हालत खराब हो जाती है। वही उसकी बहन मैडी होती है, वो अपने नए बॉयफ्रेंड मार्क के साथ डेट पर जाने वाली थी। तो अब यहाँ पे लैब में एलिजाबेथ को डॉक्टर जोनाथन की लाश भी मिलती है। अब इन सब के कारण एलिजाबेथ अपने पति जिम को वीडियो कॉल करके डॉक्टर जोनाथन की मौत और उसके क्वारंटीन में रहने के बारे में बताती है, क्योंकि अब कुछ दिनों के लिए उसे वहीं पे रहना था। जिम भी उसे बताता है कि जोई किसी वजह से बीमार हो गई है और मुझे भी सर्दी हो गई है। इनकी बातचीत के दरमियान ही आउटपोस्ट 3 का सिस्टम में अचानक से खराबी आने लगती है और वीडियो कॉल कट होता है। इसके बाद जिम ल्यूटेनेंट अलिशिया से मिलता है और उसे बताता है कि टेलर अब अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वो क्वारंटीन है। लेकिन काफी समय हो जाता है, जिसके बावजूद इनका आउटपोस्ट 3 के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, जिसके कारण जिम और मालकम दोनों भी आउटपोस्ट 3 जाने के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पे हम जिम और एलिजाबेथ के बड़े बेटे जॉर्ज को देखते हैं, जो अपने खास दोस्त काय को बताता है, मुझे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड कारा की अभी भी याद आती है, जो अभी भी 2150 इस साल में ही है। अब स्काई उसे कहती है कि वो कारा को यहाँ लाने में उसकी मदद करेगी। वही दूसरी तरफ जिम और मालकम आउटपोस्ट 3 में पहुंच जाते हैं और इन्हें वहाँ पे एलिजाबेथ मिलती है और वो अचानक से जिम को मारने की धमकी देने लगती है। अभी मालकम भी आता है और अपना मास्क निकालता है, लेकिन हैरानी की बात ये कि एलिजाबेथ मालकम को देख उसे गले लगाती है। फिर दोनों भी कुछ देर तक बात करते हैं, जिससे मालकम ये समझ जाता है कि उस वायरस के कारण एलिजाबेथ ने पिछले अपने 20 सालों की सारी यादें खो दी है। इसलिए 20 साल पहले कॉलेज में जब वो मालकम को डेट कर रही थी, वही चीज अब उसे याद है। वही दूसरी तरफ हम स्काई और जॉश को देखते हैं, जहाँ पे ये दोनों भी बॉयलन नाम के एक बारटेंडर से मिलने के लिए आते हैं और स्काई बताती है कि कारा नाम के लड़की को यहाँ लाना है। तभी बॉयलन उसे बताता है कि मैं कारा को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। अब जॉर्ज भी मान जाता है। अब यहाँ पे एलिजाबेथ को देखते हैं, जो लैब में काम करने के काबिल होती है। और तभी जिम एलिजाबेथ को उसी का एक वीडियो दिखाता है, जिसमें एलिजाबेथ बात कर रही होती है कि कैसे वायरस के आने के कारण उसकी याददाश्त मिटने लगी है। वो वीडियो देखकर एलिजाबेथ को समझ आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जिम बाकी लैब में ढूंढने पर उसे ब्रैडी ये सोल्जर भी मिलता है, जो कि अभी भी बेहोश था। लेकिन तभी वहाँ पे टेलर आता है और वो जिम को गुस्से में कहता है, अगर मुझे मेरी पत्नी और बेटी नहीं मिली तो मैं सबको मार डालूंगा।
यानी उसकी याददाश्त भी चली गई थी। उसे लग रहा था कि वो अभी भी जंग के मैदान में है और दुश्मनों ने उसकी फैमिली को पकड़ लिया है, और टेलर जिम को मारकर बेहोश कर देता है। तो यहाँ दूसरी तरफ एलिजाबेथ और मैलकम ब्लड सैंपल की जांच कर रहे होते हैं, लेकिन तभी मैलकम पर भी इस वायरस का असर होता है और उसकी याददाश्त जाने लगती है। जिम को होश आने के बाद वो बताता है कि वो वापस टेरानोवा में जा रहा है, जिसके बाद जिम और मैलकम ब्रैडी को बेहोशी की हालत में ही ट्रक में डालते हैं। लेकिन तभी मैलकम की भी याददाश्त मिटने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके माता पिता कहाँ है, और वो जिम को पकाने लगता है, जिसके कारण जिम गुस्से में मैलकम को भी बेहोश कर देता है। तो यह दूसरी जगह ब्लड सैंपल्स देखने पर एलिजाबेथ नोटिस करती है कि जिम इन सब के कॉन्टेक्ट में आने के बावजूद उसके ऊपर वायरस का कोई भी असर नहीं हो रहा है। एलिजाबेथ समझ जाती है कि जिम को सर्दी हुई है और उसी के कारण वायरस का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। वो यहाँ पे टेलर को देखते हैं जो एक सोल्जर को बेहोश करके टेरानोवा के अंदर घुस जाता है। तो यहाँ पे जिम और एलिजाबेथ के बच्चों को कुछ भी पता नहीं था क्या हो रहा है, इसीलिए मैरी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। इसीलिए वो मार्क के साथ एलिशिया से मिलने के लिए आती है, लेकिन तभी वहाँ पे टेलर आता है और वो मार्क को सोल्जर की यूनिफॉर्म में देख कर उसे मारने की धमकी देता है। लेकिन तभी एलिशिया टेलर से कहती है कि आप अभी बीमार हो, वॉर खत्म हो चुका है और हम सभी लोग आप ही के सोल्जर हैं। लेकिन टेलर उसकी बात नहीं मानता, इसीलिए वो टेलर को बेहोश कर देती है। वही दूसरी तरफ एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हें सर्दी हुई है, इसी के कारण तुम पे वायरस का कोई असर नहीं हो रहा है। इसी का मतलब ये है कि अगर लोगों को सर्दी हुई तो इस मेमोरी लॉस के वायरस स्प्रेड को हम रोक सकते हैं। अब इसी मौके का फायदा उठाकर जिम एलिजाबेथ को किस करता है ताकि उसे भी कोल्ड हो जाए। अब एलिजाबेथ यहाँ पे कुछ देर तक रुकती है ताकि वो देखे कि क्योर काम कर भी रहा है या नहीं, और कुछ घंटों के बाद उसकी याददाश्त वापस आने लगती है। थोड़े समय के बाद टेलर को भी होश आता है और उसकी याददाश्त भी वापस आ चुकी थी। वही दूसरी तरफ हम बॉयलन को देखते हैं जो जंगल में सिक्सर ग्रुप की लीडर मीरा के साथ कुछ चीजें ट्रेड कर रहा होता है। बॉयलर सिक्सर ग्रुप का ही जासूस है जिसे टेलर और जिम ढूंढ रहे थे। अब बॉयलन मीरा को जॉश के डील के बारे में बताता है, जो सुनकर मीरा अब जॉश के जरिए टेलर और जिम तक पहुंचने का फैसला करती है। यहाँ पे दूसरी तरफ एलिशिया को जंगल में लिया नाम की एक लड़की मिलती है जो कि सिक्सर ग्रुप के साथ रहती थी। के लोग लिया को अपने कॉलोनी में लेके आने वाले थे, लेकिन तभी वो कहती है कि मेरे बैग जंगल में ही रह गया है। ये सुनकर टेलर एलिशिया को बैग लेने के लिए जंगल भेजता है और ये खुद टेरानोवा चले आते हैं। अब यहाँ पे सोल्जर्स जंगल में उसका बैग ढूंढी रहे थे कि तभी मीरा के लोग उनके ऊपर हमला करके उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद मीरा टेरानोवा में आती है और टेलर से कहती है कि मैं तुम्हारे लोगों को छोड़ दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे लिया को वापस कर दो। जिस पर टेलर कहता है कि लिया जिसके साथ रहना चाहती है वो रह सकती है। जिसके बाद लिया वहाँ पे आती है और वो बताती है वो टेरानोवा में रहना चाहती है। अब ये सुनकर मीरा टेलर के लोगों को छोड़ देती है। थोड़े समय के बाद जिम को एक रिपोर्ट मिलती है कि किसी अबैंडन घर में घुसखोरी हुई है, इसीलिए जिम और एलिशिया उस घर में देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पे एलिशिया बताती है कि ये घर पहले मीरा का ही हुआ करता था। और तभी हम लिया को उस घर से एक बक्सा लेकर दौड़ते हुए देखते हैं। ये बॉक्स उसने मीरा के ही घर से चुराया होता है, और तभी जिम जाकर लिया को पकड़ लेता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सारी चाल मीरा की ही थी ताकि लिया ये बॉक्स लेकर उसके पास चली जाए। यहाँ पे लिया जिम से कहती है कि मीरा ने मेरे भाई सैम को मारने की धमकी दी थी और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब यहाँ पे जिम फैसला करता है कि वो खुद सिक्सर के ग्रुप में जाकर सैम को लेकर आएगा, इसीलिए वो उनके बेस में आता है। लेकिन तभी जिम का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और तभी मीरा वहाँ पे आती है और उसे पकड़ कर अपने अड्डे पर लेकर जाती है। मीरा आगे बताती है कि दरअसल वो इस ग्रुप की लीडर नहीं है, कुछ लोग हैं 2150 में जिनके कारण मीरा को ये सारा काम करना पड़ रहा है, यानी मीरा बस एक प्यादा है, लेकिन मेन विलन 2150 में ही है और मीरा को ना चाहते हुए भी ये सारा करना पड़ रहा है क्योंकि मीरा की बेटी सियाना उन्हीं के पास कैद है। उन्हीं लोगों को टेलर को भी अपने लीडरशिप से हटाना है। जिम गुस्से में पूछता है आखिरकार कौन है ये लोग, लेकिन मीरा नहीं बताती। आगे वो ये बताती है कि टेरानोवा को भी इंसानों को बचाने के लिए नहीं बनाया गया था, टेरानोवा का मकसद कुछ और ही है। जिसके बाद मीरा जिम को छोड़ने का फैसला करती है, जिसके साथ वो लिया के भाई सैम को भी छोड़ देती है।
वही वापस आकर टेलर जिम से पूछता है कि मीरा ने तुम्हें कुछ बताया, लेकिन जिम मना कर देता है क्योंकि जिम को भी अभी कुछ दाल में काला लग रहा था। अब अगले दिन हम फोस्टर नाम के एक सिक्योरिटी के मेंबर को देखते हैं जो एक कम्युनिकेशन पोस्ट की जांच करने के लिए जाता है। लेकिन फोस्टर जब केबिन का दरवाजा खोलता है तब अचानक से एक डायनासोर उसके ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पे जिम भी उस चीज की जांच करने के लिए आता है, जहाँ पे जिम को पता चलता है कि दरवाजे के ऊपर डायनासोर के काफी नाखून के निशान है, यानी कि किसी ने डायनासोर को जानबूझ के आउटपोस्ट के इस केबिन के अंदर कैद करके रखा था। और कोई तो चाहता था कि फोस्टर वहाँ पे जाके दरवाजा खोले और डायनासोर उसे मार दे। अब इस पूरे केस की तहकीकात की जाती है, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि इस डायनासोर को उस कैबिन में फंसाने के लिए एक दूसरे जानवर के मीट का इस्तेमाल किया गया था, यानी ये सब कुछ किसी का प्लान था और जो भी इसके पीछे है वो फोस्टर को मारना चाहता था। छानबीन के समय उन्हें इसी कैबिन के पास आंकेलोसॉरस नाम के दूसरे डायनासोर का एक अंडा भी मिलता है, जिसे फिर एलिजाबेथ चेक करने लगती है। अब यहाँ पे जिम और एलिशिया फोस्टर के मर्डर का पता करने के लिए बॉयलन के बार में जाते हैं, जहाँ पे फोस्टर अक्सर आया करता था। अब बार में सोल्जर मार्क भी होता है और वो जिम से कहता है कि फोस्टर एक लड़की के साथ रिलेशन में था और तुम्हें उस लड़की की फोटो फोस्टर के टैग में, यानी उनके पास एक चिप रहती है, उस पे मिलेगी। लेकिन ये लोग फोस्टर का जब वो चिप चेक करने के लिए जाते हैं तब वो गायब होती है, इसीलिए उसके चिप को ढूंढा जाता है और उन्हें पता चलता है जिस डायनासोर ने उसके ऊपर हमला किया है उसके शरीर में वो चिप है, जिसके बाद टेलर, अलीशिया और जिम उसी डायनासोर को उस चिप के मदद से ढूंढते हैं और उसे मार कर उसके अंदर से चिप निकाली जाती है। जहां पे चिप को एक्सेस करने के बाद उन्हें पता चलता है कि फोस्टर रेबेका नाम के एक औरत से रिलेशन में था जो कि ऑलरेडी शादीशुदा होती है। अब ये लोग रेबेका के घर पहुंचते हैं और उसे पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वो बताती है कि उसका फोस्टर के साथ कोई भी अफेयर नहीं था। लेकिन तभी रेबेका का पति आता है और वो कहता है कि इसका अफेयर था और जेलेसी के कारण मैंने ही फोस्टर को मार दिया है। अब इसने अपना जुर्म कबूल किया था, इसीलिए एज अ सजा के तौर पर उसे इस कॉलोनी से बैनिश किया जाता है एक बंदूक देकर। लेकिन जिम को अभी भी शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे लग रहा था कि रेबेका इसके पीछे है और इसीलिए वो भी जंगल के बाहर जाकर हावर्ड को बचाता है और वापस रेबेका के घर पे लेकर आता है। तभी रेबेका बताती है कि मैंने भी फोस्टर को नहीं मारा है, इनफैक्ट महीनों पहले मैंने उससे ब्रेकअप किया था क्योंकि वो बॉयलन के बार में काफी ज्यादा गैम्बलिंग किया करता था और उसके ऊपर काफी कर्जा भी था। अब जिम फिर फोस्टर के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच करता है, जहां पे उसे पता चलता है कि फोस्टर को किसी अनजान व्यक्ति ने काफी सारे पैसे दिए थे। जिसके बाद टेलर बॉयलन के उस बार में जाता है और बॉयलन को अरेस्ट करता है क्योंकि यहाँ पे वो इल्लीगल गैम्बलिंग करवाता था। लेकिन बॉयलन कहता है कि मैंने भी फोस्टर को नहीं मारा है। अब उसके बार की छानबीन करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर बॉयलन वहां से भाग जाता है। अब बॉयलन को पकड़ने के लिए टेलर, जिम और उनका ही एक सोल्जर कैरन चला जाता है। ये लोग बॉयलन को ढूंढ ही रहे थे लेकिन अचानक से टेलर रुक जाता है और कैरन के ऊपर बंदूक तानकर उसे पूछता है कि तुमने ही फोस्टर को मारा है। और यहाँ पता चलता है कि बॉयलन भागा नहीं है, दरअसल बॉयलन ने अपना बयान दिया था कि कैरन को फोस्टर को काफी सारे पैसे देने थे और ये पैसे वापस ना देने के कारण ही करण ने फोस्टर को मारा होगा। और तभी करण टेलर को मारने जाता है, लेकिन टेलर ने ऑलरेडी उसकी बंदूक की गोलियां निकाल दी रहती है। अब अंत में वो कन्फेस करता है कि उसी ने फोस्टर को मारा था और इसीलिए उसे भी टेरानोवा से बैनिश किया जाता है जंगल में। अब उसी रात बॉयलन जॉश और स्काई को जंगल में मीरा के पास लेकर आता है, जहाँ पे मीरा जॉश से कहती है कि मैं कारा को यहाँ पे लेकर आऊंगी लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा जासूस बन के रहना होगा। अब जॉश ना चाहते हुए भी इस काम को हाँ कहता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आखिरकार टेरानोवा का राज है क्या, उसे क्यों बनाया गया था, यह हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। स्टे ट्यून्ड।